सो हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अवेंजर्स एंड गेम वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी आउटस्टैंडिंग बिजनेस कर रही है, और इसी के साथ दोस्तों ये फिल्म इंडिया, चाइना, साउथ कोरिया, इटली हर जगह पर एक नया रिकॉर्ड बना रही है और हर देश में ये फिल्म हाईएस्ट ग्रोसर फिल्म बन चुकी है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं अवेंजर्स एंड गेम के इंडिया बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के बारे में, और इसी के साथ जानने वाले हैं इस फिल्म का वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं, देखते रहिएगा पूरा वीडियो। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस फिल्म को वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर रिलीज किया गया था 26 अप्रैल को। उसके दो दिन पहले इस फिल्म को 25 कंट्रीज में रिलीज किया गया था चाइना के साथ, और दोस्तों वहां से इस फिल्म ने अपने दो ही दिनों में काफ़ी अमेजिंग बिजनेस किया था। और दोस्तों, अब ये फिल्म 26 को रिलीज़ हो चुकी थी, और 26 को रिलीज़ होने के बाद इस फिल्म ने अपने फर्स्ट डे एक रिकॉर्ड तोड़ कमाई की थी। जी हाँ दोस्तों, इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन काफ़ी अमेजिंग रहे थे। वहीं अगर बात करें दोस्तों इस फिल्म के इंडियन बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के बारे में, तो इस फिल्म ने अपने फर्स्ट डे इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 2845 स्क्रीन्स पर कमाए थे 53 करोड़ 10 लाख रुपए, जो कि एक सेकेंड हाईएस्ट ग्रोसर फिल्म थी इंडियन बॉक्स ऑफिस पर। वहीं बात करें दोस्तों इस फिल्म के सेकेंड डे की बॉक्स ऑफिस की, तो सेकेंड डे में दोस्तों इस फिल्म ने कमाए थे 52 करोड़ 30 लाख रुपये। वहीं दोस्तों, इस फिल्म का जो फर्स्ट वीकेंड का कलेक्शन था वो रहा था लगभग 160 करोड़ रुपए। बता दोस्तों कि इस फिल्म को आज हो चुके हैं पूरे 10 दिन, और 10 दिनों बाद भी ये फिल्म काफ़ी अमेजिंग बिजनेस कर रही है। तो बात कर लेते हैं इस फिल्म के 8 दिनों के टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस की, तो 8 दिनों तक तो दोस्तों ये फिल्म कमा चुकी थी 272 करोड़ 40 लाख रुपये। वहीं 9वें दिन इस फिल्म ने कमाए हैं 18 करोड़ 60 लाख रुपये। इसी के साथ दोस्तों इस फिल्म का जो 9 दिनों का टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था वो हो चुका था लगभग 291 करोड़ रुपये। दोस्तों, आज भी इस फिल्म ने काफ़ी अमेजिंग ओपनिंग ली है, और आज के इस फिल्म के जो कलेक्शन है वो अभी तक हो चुके हैं पूरे 11 करोड़ रुपए के। और दोस्तों, इंडियन मूवीज़ में ये फिल्म सुल्तान को पीछे कर चुकी है, वहीं पद्मावत जैसी बड़ी फिल्म को भी पीछे कर चुकी है। वहीं आने वाले टाइम में दोस्तों ये फिल्म दंगल का रिकॉर्ड भी तोड़ देगी और इंडिया की नंबर 1 मूवी बन जाएगी। वहीं अगर बात करें दोस्तों इस फिल्म के 10वें दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के बारे में, तो दोस्तों आज की ये फिल्म 11 करोड़ तो कमा ही चुकी है। वहीं आज के इस फिल्म के कलेक्शन रह सकते हैं लगभग 22 से 23 करोड़ रुपए। इसी के साथ दोस्तों ये फिल्म 312 करोड़ रुपए की कमाई कर चुकी होगी और कई सारी फिल्मों को पीछे कर चुकी है। वहीं दोस्तों, वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म 4 मई तक कमा चुकी थी 13,916 करोड़ रुपये, यानी कि दोस्तों $1.988 बिलियन। और इसी के साथ दोस्तों ये फिल्म वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर 4th हाइएस्ट ग्रोसर फिल्म बन चुकी थी। वहीं आज के कलेक्शन मिलाकर ये फिल्म 2 बिलियन के क्लब में शामिल हो चुकी है और वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर स्टार वॉर्स को पीछे कर चुकी है, और आज के कलेक्शन में ही ये फिल्म टाइटेनिक फिल्म को भी पीछे कर देगी और वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर 2nd हाईएस्ट ग्रोसर फिल्म आज ही बन जाएगी। तो दोस्तों, इस तरह से इस फिल्म के नाम एक और रिकॉर्ड हो चुका है, और ये फिल्म फर्स्ट एवर ऐसी फिल्म है जिसने मात्र अपने 10 ही दिनों में वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर 2 बिलियन से ज़्यादा कमाई की है। तो दोस्तों, आपको ये फिल्म कैसी लगी आप हमें ज़रूर बताइएगा, और दोस्तों इस फिल्म में आपको सबसे अच्छा काम किसका लगा हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।